हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th वाले विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न मैं बताने वाला हूं, और ये जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं इनको आप अच्छे से लिखकर याद करेंगे। और रस प्रकरण से महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक भी क्वेश्चन को आप छोड़ेंगे नहीं, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपकी परीक्षा में रस प्रकरण से संबंधित प्रश्न देखने को मिलेगा 100%। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो मेंस एजुकेशन हमारा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करोगे तो आपको पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी। तो ये जो आपको यहाँ पर लिखा रखा है, आपको बता दिया लिखकर मैंने, ये बिल्कुल ऐसे सर्च करना आप कि टेलीग्राम ज्वाइन कर लें और आपको पीडीएफ वगैरह मिलती रहे। देखिए, पहला प्रश्न है, श्रृंगार रस की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। आपको इसी प्रकार से श्रृंगार लिखना है जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि ये करेक्ट होता है। कई स्टूडेंट इस प्रकार से श्रृंगार लिखते हैं जो कि ये गलत होता है, तो आप इस प्रकार से लिखिए जैसे यहाँ पर लिखा गया है। जो श्रृंगार रस है ना, इस श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। श्रृंगार रस का स्थायी भाव अगर पूछा जाए तो आप रति बताएंगे। अब देखिएगा, अथवा मैं इस प्रकार से भी श्रृंगार रस का स्थायी भाव लिखते हुए एक उदाहरण दीजिए। उत्तर में आप देखिए, समझिएगा, स्त्री पुरुष के परस्पर प्रेम का वर्णन श्रृंगार रस के अंतर्गत आता है। इसका स्थायी भाव रति है। इसके दो भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। याद रखना, इस श्रृंगार रस के दो भेद हैं, संयोग और वियोग। ठीक है, ये दोनों आपस में विरोधी भावों की अनुभूति कराते हैं, तथापि ये पुष्टि रति ही करते हैं। मतलब कि संयोग मतलब तो मिलन का वर्णन हो जाएगा, और उसके बाद में जो वियोग है उसमें बिछुड़ने का वर्णन हो जाएगा। तो ये एक दूसरे का जो है विरोध कर रहा है, मतलब एक प्रकार से विलोम है, लेकिन मुख्यतः रति को ही सूचित करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। देखिएगा, संयोग श्रृंगार का उदाहरण, देख रूप लोचन ललचाने, हर्ष जनु निज निज निधि पहचाने। और वियोग श्रृंगार में देख सकते हैं, दो जने मंद मुसुकानी सुधा बरसत, और दो जने छके मोद मंधु और है। ये वियोग है, चिंतामणि से लिया गया है। अब सुनिएगा, एक उदाहरण में और बता रहा हूँ संयोग का। राम को रूप निहारत जानकी, कंगन के नग की परछाई, याते सभी सुधि भूल गई, कर टेक रही पलटारत नाही। ये संयोग श्रृंगार का उदाहरण है। और वियोग का भी मैं आपको एक और उदाहरण बता रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ आप अच्छे से सुनकर उसको लिखकर याद कर लीजिएगा। वियोग श्रृंगार का एक और उदाहरण लिख सकते हैं, हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। ये वियोग श्रृंगार का उदाहरण है। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, और वो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। करुण का जो स्थायी भाव होता है वो होता है शोक। याद रखना अच्छी तरह से, क्योंकि स्थायी भाव भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। इस प्रकार से आपको याद रखना है, सहृदय के हृदय में, सहृदय होता है मनुष्य। सीधी सी बात आपको ये याद रखना, सहृदय मनुष्य, मनुष्य के हृदय में शोक नामक स्थायी भाव का जब विभव अनुभव और संचारी भाव के साथ संयोग होता है, तो वहाँ पर करुण रस की निष्पत्ति होती है, यहाँ करुण रस पाया जाता है। उदाहरण इस प्रकार से आप लिखेंगे, प्रिय वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि में डूबी का सहारा कहाँ है, लखमुख जिसका आज लव में जी सकी हूँ, वह हृदय हमारा नयन तारा कहाँ है। ये आपकी करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित है, और परिभाषा आएगी तो आप बिल्कुल डेफिनेटली उदाहरण सहित ही लिखेंगे, क्योंकि आपका 2 से लेकर के 3 अंक का क्वेश्चन इससे रिलेटेड रहेगा। इसके बाद में हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। हास्य का जो स्थायी भाव होता है वो होता है हास। हास का मतलब होता है प्रसन्नता। हास का मतलब प्रसन्नता होता है, और एक प्रकार से हम कह सकते हैं खुशी भी होता है, प्रसन्नता या खुशी हास का। तो इसकी परिभाषा देखिए, अनोखी वेशभूषा आकार वाणी तथा कार्य को निहार कर जो हास का भाव उत्पन्न होता है, हास मतलब हंसी, हंसी का भाव उत्पन्न होता है, वही हास्य रस की अभिव्यक्ति कराता है। अब इस परिभाषा के अलावा आप इस प्रकार से भी इसको लिख सकते हैं, हास्य रस की परिभाषा को, कि विभाव अनुभव और संचारी भाव का हास नामक स्थायी भाव के साथ जब काव्य में संयोग होता है तो वहाँ पर हास्य रस की निष्पत्ति होती है। इस प्रकार से देखिए, उदाहरण इस प्रकार से लिखेंगे, फादर ने बनवा दिए 3 कोट चाहे पैंट, बेटा मेरा हो गया कॉलेज स्टूडेंट। मतलब कि यहाँ पर हंसी आ रही है, इसको हम अगर पढ़ेंगे सुनेंगे तो ठीक है। और एक और हास्य रस का उदाहरण मैं बता रहा हूँ, याद रखिएगा आप अभी, मैं महावीर हूँ पापड़ को तोड़ सकता हूँ, अगर गुस्सा आ जाए तो कागज को मोड़ सकता हूँ। ये भी आपका हास्य रस का ही उदाहरण है। तो हास्य रस भी कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, बिल्कुल 100% मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद में आपको याद रखना है,
हास्य रस के बाद में वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित। वीर रस की परिभाषा देखिएगा, भावुक के हृदय में जब उत्साह नामक स्थायी भाव का विभाव अनुभव एवं संचारी भाव से संयोग होता है तब वहाँ वीर रस का परिपाक होता है या वीर रस की निष्पत्ति होती है। इसका स्थायी भाव उत्साह है। याद रखिएगा, उत्साह किसका स्थायी भाव है तो आप बताएंगे उत्साह वीर रस का स्थायी भाव होता है। और यहाँ पर एक प्रकार से उत्तेजना हमारे मन में आ जाती है, ठीक है। तो जहाँ पर जैसे मान लीजिए किसी काव्य को सुनकर पढ़कर देखकर हमारे मन में उत्साह का भाव आ जाए, उत्तेजित हो जाए, मतलब उत्तेजना आ जाए, तो वहाँ पर वीर रस की निष्पत्ति होती है। ये भी आप याद रखेंगे। देखिए उदाहरण इस प्रकार से, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, तो ये जो रस है इसमें वीर रस है, तो इस प्रकार से आप इसका उदाहरण लिखेंगे। इसके बाद में देखिएगा रौद्र रस की परिभाषा उदाहरण सहित। रौद्र रस, रौद्र का स्थायी भाव होता है क्रोध, याद रखिएगा। अपना अनिष्ट या अनादर होने के फलस्वरूप, अनिष्ट मतलब कह सकते हैं बुरा, ठीक है। अगर यहाँ पर अपना बुरा हो रहा है, अपना अनादर हो रहा है, मतलब कि एक प्रकार से अपमान हो रहा है, तो उसके फलस्वरूप उसके कारण हमें क्रोध आएगा, ठीक है। तो वहाँ पर रोध रस होगा। जैसे देखिए, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। ये उदाहरण आप इसमें लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद में ये देखिए भयानक रस लास्ट है। इसके बाद में आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, भयानक रस का स्थायी भाव होता है भय, ठीक है। भय नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभव और संचारी भाव से संयोग होता है वहाँ पर भयानक रस की निष्पत्ति होती है, मतलब वहाँ पर भयानक रस पाया जाएगा। जैसी देखिएगा, लपट कराल ज्वाल माल चहुदिसी, धूम अकुलानो पहचाने कौन का ही रे, ये यहाँ पर भयानक रस की निष्पत्ति हो रही है। दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ताकि आपको अपडेट विभिन्न प्रकार की मिलती रहे। और मॉडल पेपर मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ बहुत जल्द, ठीक है। मॉडल पेपर मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया है, आप लोगों के लिए मैं मॉडल पेपर लेकर आऊँगा उत्तर सहित, ताकि आपकी जो वार्षिक परीक्षा है उसमें आप अच्छे अंक प्राप्त करो। और एक और बात मैं बता दूँ कि हमने ज्वाइन बटन को ऑन कर रखा है, याद रखिएगा। आप जैसे ही चैनल के सेक्शन पर जाओगे तो वहाँ पर इस प्रकार से ज्वाइन लिखा रहेगा। अगर आप हमारे सक्रिय सदस्य बनना चाहते हैं तो बिल्कुल आप चैनल से ज्वाइन हो जाइए और आप अपनी जो बात है वो डायरेक्ट कह सकते हैं, हमें तुरंत मैसेज मिल जाएगा आपका सबसे पहले, ठीक है। याद रखिएगा, सबसे पहले आपका मैसेज मिलेगा जो भी ज्वाइन होगा वो, और ज्वाइन जो स्टूडेंट होगा जो सबसे पहले मैसेज करेगा उनके लिए हम एक स्पेशल, मतलब कह सकते हैं ऑफर रख रहे हैं कि जो हमारा जो कम्युनिटी टैब है, ठीक है, उस कम्युनिटी टैब में आपका जो नाम है वो शामिल करते हुए आपने जो प्रश्न पूछा है उसका उत्तर बताया जाएगा, ठीक है। आप जो कुछ पूछेंगे उसका उत्तर बताया जाएगा कमेंट को शामिल करते हुए, इसलिए जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो जाइए। बिल्कुल ज्वाइन की फ़ीस मैंने 54 से स्टार्ट करी है, तो उसमें तीन लेयर है, मतलब तीन स्टेप्स है, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, जो भी आपको पसंद आए उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। धन्यवाद।